हेलो दोस्तों, आई वेलकम टू स्टडी संतोष धवन। दोस्तों आज हम साइंस में अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले परिभाषाओं की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, और हम सदिश पे बात करेंगे दोस्तों। देखिए सदिश लिखा गया है, सदिश को दोस्तों अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं, ये वेक्टर कहते हैं, ये वेक्टर लिखा गया है दोस्तों। फिजिक्स में सदिश और अदिश दो राशियां हैं, और इसे बेहतर करने के लिए दोस्तों, फिजिक्स को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, हम पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं कि फिजिक्स में किसी भी चीज को समझने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता है दोस्तों, और यदि दो चीजें आप समझ गए तो पूरी फिजिक्स की धज्जियां उड़ा देंगे दोस्तों। बस राशि क्या है, इसका परिणाम क्या है, परिमाण क्या है, कितने की क्या राशि है, और इसकी दिशा क्या है दोस्तों। तो हमने बताया दोस्तों, दिशा के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि हमारी वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल बेसिक से समझ जाएंगे, और किसी भी राशि को देखते हुए या बता देंगे कि हाँ इसमें दिशा होगी, नहीं होगी, क्या होगी, बिल्कुल आप एग्जैक्ट बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, और अगली राशि पर हम चलते हुए, और अदिश राशि हम पहले हेडिंग आगे दोस्तों। देखिए सदिश जो है दोस्तों, सदिश जो ये वेक्टर है दोस्तों, जो ये वेक्टर है, ये सदिश है, ये दो राशियों में बटा हुआ है। ये अदिश राशि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज दोस्तों, अंग्रेजी में से स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं दोस्तों, और सदिश राशियां इसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं दोस्तों। देखिए ये लिखा गया है, अब देखिए अगले हेडिंग पर हम चलते हैं दोस्तों, अदिश राशियां पे लिखे गए अदिश राशियां। देखिए दोस्तों ये परिभाषाएं हमने लिख दी है, वरना आपको शॉर्टकट में बता देते थे। लिखे गए कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण, केवल परिणाम, देखिए दोस्तों केवल केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए अदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल सेट करते हैं दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल हम सेट करते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों, दोस्तों हम आपको बताए हैं दूरी, दूरी, द्रव्यमान, द्रव्यमान, चाल, समय, तापमान, और बहुत सारे होंगे दोस्तों। लेकिन आप समझिए दोस्तों कि ये हम आपको पिछले वीडियो में, आप मजबूर हो जाइए दोस्तों, आप एकदम देखिए फिजिक्स में दिशा नहीं है तो आपके पास कोई, अगर आप उसको अगर गणना कर रहे हैं दोस्तों, जैसे दूरी है, हमने आपको दूरी बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया था दोस्तों, ये दो बिंदु हैं, अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु बीच की दूरी है, आप किस तरह से जाना चाहते हैं दोस्तों, ये डिफाइन नहीं है दूरी में, आप किसी तरह से भी जा सकते हैं, आपके पास कोई चर नहीं, किसी तरह से जा सकते हैं दोस्तों, किसी तरह से भी जा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, तो इसको हम दिशा नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं। और दोस्तों यदि आपके पास मजबूरी हो कि एकदम दिशा हमको चाहिए ही चाहिए, वहां पे एकदम आवश्यकता हो जाएगी दोस्तों, यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पे एकदम आवश्यकता हो जाएगी दोस्तों, एकदम आवश्यकता हो जाएगी, आप उसे नकार नहीं सकते हैं वहां वहां से, मतलब उसके दिशा को, दिशा को दोस्तों आप नकार नहीं सकते हैं कि यहां पर दिशा नहीं होगी, दिशा होगी होगी। जैसे देखिए देखिए एक द्रव्यमान लिया गया है, हम पिछली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से दोस्तों एनालिसिस किए हैं इसके बारे में कि दूरी में दिशा क्यों नहीं होगी दोस्तों, दूरी में दिशा कन्फर्म नहीं है दोस्तों कि किस तरह से जा रही है, इसलिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों यहां पे द्रव्यमान लिखा गया, अब द्रव्यमान में देखिए आप 5 किलो आलू ले रहे हैं तो क्या कहेंगे कि 5 किलो आलू हमको उत्तर में दे दीजिए, पश्चिम में दे दीजिए, नहीं दोस्तों यहां द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है, दिशा दिशा की आवश्यकता नहीं, सॉरी दोस्तों दिशा की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों दिशा जहां पर एकदम नेसेसरी हो जाए दोस्तों, आपका चला भी नहीं है कि वहां दिशा, अगर दिशा हम न दे रहे हैं तो कोई चीज वहां पे गणना ना कर पाए, कोई मनुष्य वहां पर गणना ना कर पाए, कोई मिस्टेक कर दे, बहुत ही रेयर केस, बहुत ही डीप में दोस्तों, चाहे बहुत ही आवश्यक हो तो दिशा हमारी आएगी, जब दिशा आएगी दोस्तों तो हम नकार नहीं सकते। जैसे चाल है दोस्तों, चाल ये दूरी की, दूरी का इसमें वेक्टर, दूरी का इसमें राशि है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समझ लीजिए कि फिर ये, फिर इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तापमान, तापमान में क्या दिशा, 50 अंश सेंटीग्रेड उत्तर में, दिशा हमको उसमें हमको आवश्यक नहीं है दोस्तों। और जिस चीज में दिशा की आवश्यकता हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल देखिए दोस्तों अगले दोस्तों हम इसको समझते हैं, सदिश वेक्टर को, सदिश राशि को, सदिश राशि को समझते हैं, सदिश राशियां। सदिश राशियां देखिए दोस्तों, इसमें
परिमाण तथा दिशा, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि में दोस्तों परिणाम परिमाण क्या है, जैसे कोई भी चीज है दोस्तों, अभी हम आपको समझाएंगे परिमाण क्या है, और दिशा, ये दोनों एकदम आवश्यक हो दोस्तों, आप एकदम आवश्यक हो कि इसके बिना आप काम ही नहीं चलेगा दोस्तों। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो गया दोस्तों विस्थापन, विस्थापन आप पढ़े होंगे दोस्तों, विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, बल, इटीसी, विस्थापन आप पढ़े थे दोस्तों, विस्थापन आप पढ़े थे जब, तो ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी दोस्तों, देखिए आप मजबूर हो जाएंगे, इसमें दिशा आ जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को दोस्तों विस्थापन कहते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी में तो एकदम दोस्तों एक ही न्यूनतम दूरी होगी, तो आप कन्फर्म होगे कि एक ही रास्ता होगा दोस्तों। जब एक ही रास्ता होगा तो एक दिशा होगी दोस्तों, वहां पे एक ही रास्ता होगा दोस्तों, तो एक दिशा होगी। आप इसे समझिए और इसे समझने की कोशिश करिए कि दो बिंदुओं के बीच में दो दूरी न्यूनतम नहीं हो सकती है, दो दूरियां न्यूनतम नहीं हो सकती, एक ही न्यूनतम दूरी होगी। आज जब एक ही न्यूनतम दूरी होगी दोस्तों, तो एक दिशा आएगी वहां पे। और दोस्तों ये सब तो विस्थापन के फलन है, ये त्वरण में भी देखिए वेग परिवर्तन के दर्श, इसमें इसका फलन है, इसका फलन है, ये भी वही करेगा, ये इसका फलन है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। त्वरण जानते ही हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बल यह बराबर एम में ए आ रहा है, त्वरण है इसमें भी, तो ये दोस्तों एक दूसरे के फलन है। इस तरह से आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।